वातावरण बना है. जैसे पूज्य महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद स्वामी जी दीनदयाल शोध संस्थान के निमंत्रण पर उपस्थित यहाँ पर सभी सज्जन वृंद, माताएं, बहनों तथा भाइयों, एक मैं समझता हूं कि थोड़ी मेरी परीक्षा भी है. स्वामी जी के सामने बोलना थोड़ा मेरे लिए कठिन भी है, और केवल स्वामी जी के सामने ही नहीं तो आप जैसा एक समृद्ध संप्रंत संभ्रांत इस प्रकार का समूह यहां पर बैठा है, और वो भी मुंबई के पार्ले नगर का है तो उसकी भी अपनी एक विशेषता है. परंतु शायद कम ही मौके होते होंगे कि पार्ले में और हिंदी में कोई बोले, सामान्यतः मराठी में होता है. तो एक आज के इस कार्यक्रम में विशेषतः अगर कहा जाए तो दो महापुरुषों के नाम से संबंधित विषय है. जैसा भी कहा गया है कि स्वर्गीय नाना जी देशमुख जी की जन्म शताब्दी का प्रारंभ हुआ है, और एक ही समय में जन्म लेने के कारण पंडित दीनदयाल जी का भी जन्म शताब्दी का वर्ष यही है. तो जिनके स्मृति में व्याख्यान और जिस शोध संस्थान के माध्यम से होने जा रहा है यह कार्यक्रम, तो स्वाभाविक रूप से इस व्याख्यान के मूल में ये दो महापुरुषों के नाम हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण करते हुए ही चलना है. एक दीनदयाल जी का अगर कहा जाए तो वो तो एक चिंतनशील व्यक्तिमत्व था. देश का दुर्भाग्य रहा कि समय बहुत कम मिला. जिस समय अपने सारे चिंतन को व्यवहारिक रूप में लाने का पुरुषार्थ, लाने की चुनौती स्वीकार करना प्रारंभ होता है, ऐसे 50-51 की आयु में हमें छोड़कर चले गए. परंतु एक अत्यंत गहरा चिंतन, एक मूलभूत इस देश की आत्मा को समझकर, इस देश के सामने एक वैचारिक संपदा देकर वो चले गए. परंतु चिंतन चिंतन के स्तर पर रहता है, ग्रंथों में सीमित हो जाता है, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप कहीं प्रकट हो इसकी आवश्यकता रहती है, तभी सिद्धांतों की शक्ति सामर्थ्य सिद्ध होता है. और इसलिए पंडित दीनदयाल जी के द्वारा रखा गया चिंतन, उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने का एक भगीरथ प्रयास जिसको कहा जाए, ऐसे स्वर्गीय नाना जी का रहा है. और इसलिए इस चिंतन के प्रकाश में प्रयोग हुए और प्रयोग के सफलता के आधार पर चिंतन की क्षमता, चिंतन का सामर्थ्य सिद्ध होता है. और इसलिए इन सारे विषयों पर कुछ विषय मैं आपके सामने रखूं, ये कितना न्याय दे पाऊंगा ये मैं तो नहीं कह सकता, मेरे लिए थोड़ा कठिन सा है. लेकिन आयोजकों ने कहा और मैंने उसको स्वीकार किया, और इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं. दुनिया के भिन्न भिन्न देशों का, जब हम देशों का कहते हैं तो वहां के समाज का एक चिंतन का होता है. चिंतन यह निरंतर विकसन की प्रक्रिया में चलता रहता है. उस चिंतन के प्रकाश में, दिशा में कुछ सामाजिक जीवन में पद्धतियां विकसित होती हैं, जीवन शैली विकसित होती है, कुछ विकास के मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं, उस विकास के संदर्भ में अनुकूल इस प्रकार के व्यवस्थाओं का निर्माण होता है. यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस स्वाभाविक प्रक्रिया के चलते उस देश की एक पहचान बनती जाती है.
बहुत बार ऐसा होता है कि चिंतन किसका है यह कहना भी मुश्किल होता है। इसलिए बहुत बार चिंतन व्यक्तियों के द्वारा परिचित नहीं होता है, उस देश की जो शैली है, समाज जीवन है, उसको देखकर ही चिंतन का परिचय होता है। चिंतन किस व्यक्ति ने रखा वह स्वाभाविक रूप से शायद विस्मृति में चला जाता है। हम जैसे लोगों के लिए, भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है कि अगर वेद ग्रंथ इस देश के जीवन का अगर आधार रहा है तो वेद किसने लिखे हैं हमको पता नहीं। हम तो ये मान के चलते हैं कि वो अपौरुषेय है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं है। तो यह एक चिंतन के आधार पर समाज रचनाएं बनती है और वही उस देश की, एक समाज की पहचान बनती जाती है। और हम भारत के संदर्भ में सोचे तो कितना पीछे जाए ये कहना भी मुश्किल लगता है। हजारों वर्षों से चला आया हुआ यहाँ का चिंतन है, विकसित होता आया है। भारत की अपनी एक विशेषता रही है कि जो भी यहाँ के मनुष्यों ने चिंतन किया वह बहुत मूलभूत चिंतन किया है, समग्रता से चिंतन किया है, गहराई से चिंतन किया है। कभी कभी चिंतन का दायरा जाने अनजाने में एक भौगोलिक सीमा में सिमट जाता है, समूह विशेष तक वो रह जाता है। परंतु जब हम भारत के चिंतन के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो यह न उसे काल की सीमाओं में बांधा जा सकता है, न समूह विशेष के लिए है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि भारत की परंपरा यह समय हमेशा ही समस्त विश्व के कल्याण की कामना करने वाली रही है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ का चिंतन सीमाओं से, भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। जब हम विश्व मंगल की कामना करते हैं तो उसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र के मंगल की कामना नहीं है। अगर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी ने सारा गीता पर विश्लेषण करते हुए अंत में पसायदान के रूप में अगर कुछ मांगा है तो उसकी शुरुआत ही वो करते हैं, आता विश्वात्मके देवे, इस विश्व को व्याप्त करने वाली जो ईश्वरी शक्ति है उससे वो मांग रहे हैं। तो विश्वात्मक शक्ति कहते ही वह कोई भारत की शक्ति को नहीं माना है, विश्वात्मक शक्ति। इसलिए यह प्रारंभ से इस प्रकार की एक व्यापकता रही, विशालता रही, समग्रता रही, गहराई रही, यह भारत के चिंतकों का यह हम सब अनुभव करते हैं। और इसलिए इसका एक प्रदीर्घ इतिहास, लंबा इतिहास, अपने भारत के मनुष्यों की एक विशेषता और रही कि हमने कभी भी अपने सुनने समझने के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, हमने उसको रिजिड नहीं बनाया। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने हमेशा इस प्रकार के विचारों का स्वागत किया है। हाँ, एक बात निश्चित है कि ऐसे विचारों को, तत्व ज्ञान को, सिद्धांतों को स्वीकार करने की कसौटी भारत के अंदर क्या रही, तो समाज हित है कि नहीं, मानव के कल्याण से संबंधित है, उससे सुसंगत है, वो हमको कुछ भी स्वीकार है। इसके दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। हम मन मस्तिष्क के दरवाजों को बंद करते हुए एक ढांचे में चलने वाला भारत नहीं है, यही अपनी भारत की विशेषता है और यही भारत के लंबे आयु का कारण है, यही कारण है। अन्यथा इतने सब प्रकार के आक्रमणों के बाद भारत भारत नहीं रहता, कभी का समाप्त तो हो जाता था। हम शेष है, इसका एकमात्र कारण है हम रिजिड नहीं है, हम चेतना युक्त है, प्राण युक्त है, नित्य निरंतर प्रवाहित जीवन को स्वीकार करने वाले लोग हैं। इस प्रकार का और अपने भारत की विशेषताओं को हम लोग समझते हैं, अनुभव करते हैं। हम उसी धारा में रहने के कारण शायद कभी कभी उन विशेषताओं को पहचान नहीं पाते, लेकिन यह है, ये वास्तविकता है। अन्यथा आक्रमणों के द्वारा, आक्रमकों के द्वारा ये देश कभी का समाप्त हो जाना चाहिए था। ये समाज विश्व के मंच पर नाम शेष होना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण हम रिजिड नहीं हैं।
कई प्रकार के एक शब्दों का समझने के लिए अनुवाद करने की परंपरा है। शब्दों का अनुवाद होता है, पर शब्दों के अनुवाद से उसके भावों का स्पष्टीकरण करना यह इतना आसान नहीं है। अब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसका किसी भी भाषा में अनुवाद कर दीजिए, क्या वो भाव स्पष्ट हो सकता है? वो संबंध ही नहीं है। हम उसको अंग्रेजी में अनुवादित कर सकते हैं क्योंकि हर शब्द के लिए अंग्रेजी में एक वैकल्पिक शब्द है, परंतु क्या अंग्रेजी में उस पंक्ति को लिखकर मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ये समझ में आ सकता है क्या किसी? तो बहुत मुश्किल। इसलिए अनुवाद करने की झंझट में, अनुवाद करने के प्रयासों में शब्द के पीछे जो अर्थ है, भाव है, उस सब का क्षरण हो जाता है, वो स्पष्ट हो नहीं पाता, वो संकल्पना स्पष्ट अस्पष्ट सी रह जाती है। दूसरी एक बात है कि ऐसी कल्पनाओं को परिभाषा की चौकट में बिठाने का प्रयास करते वो भी असफल हो जाता है। मैं एक उदाहरण, हम सब जानते हैं उसके उदाहरण का, किसी ने परिवार की परिभाषा की कि परिवार क्या होता है, तो परिभाषा करने वाले उस कंटेंट को समझते हैं कि परिवार मतलब किससे परिवार बनता है, एक महिला एक पुरुष और दो बच्चे। अगर परिवार की परिभाषा यह की गई कि परिवार उसको माना जाए कि एक महिला है एक पुरुष है और उनकी कोई संतति है कि नहीं, उनके बच्चे हैं, ये मान लिया जाए, तो क्या यहां से किसी महिला को पकड़ के लाया, यहां से किसी पुरुष को पकड़ के लाया और दो बच्चे और कहीं से लाए और कॉन्स्टिट्यूट किया ये परिवार? परिवार कभी भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो परिभाषा कैसे बिठाएंगे इस? अब ये भारत की कल्पना है, परंतु जिन्होंने विदेशी पश्चिमी जगत के विचारों के आधार पर ऐसे परिभाषित करने का प्रयास किया उसके कारण भाव तो स्पष्ट नहीं हुआ, वो कल्पना टिक भी नहीं पाई। जो भारत में परिवार कल्पना टिकी वो विदेशों में नहीं टिक पाई, क्योंकि वहां पर परिवार कानून से बनाया जाता है, कानून से बनता है। अपने यहां पर विवाहों का रजिस्ट्रेशन, ये कल्पना भारत के अंदर नहीं है, थी ना कभी भी। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, उस अंग्रेजों के आगमन के बाद आप विवाह करोगे तो आपको शासन के अधिकारी के सामने गवाह देकर उसके सामने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, हम पति पत्नी हो गए। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में पति पत्नी बनते नहीं थे, ऐसा नहीं, कानून नहीं था, कुछ भी सामाजिक मान्यता थे। इसलिए सैकड़ों लोगों को अपने विवाह में निमंत्रण में बुलाकर उनके साक्षी में विवाह होता है, तो फिर उसके लिए और कोई कानून और कोई संविधान और कोई पंजीकरण की कल्पना यहां पर नहीं। पर जहां पर यह कल्पना ही नहीं थी, उन्होंने उसको पंजीकरण की सीमा में बांध दिया है। और जब पंजीकरण नियमों में जब बांधा जाता है तो उसके टूटने के लिए नियम बन जाते हैं, वो बने हैं दुर्भाग्य से। इसलिए कभी भी कई कल्पनाओं को परिभाषित करना, चौकट में बिठाना कठिन। हमारे यहां पर के कुछ शब्द है, जैसे अपने यहां पर है वैसे अन्य अन्य समाजों के भी कुछ शब्द है, इसका कोई वैकल्पिक शब्द ढूंढने की कोशिश न करें। क्या कोई बता सकता है कि प्रसाद के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? क्या कोई बता सकता है कि नैवेद्य के लिए क्या शब्द है? क्या कोई बता सकता है कि आरती के लिए अंग्रेजी भाषा में क्या शब्द है? क्योंकि वो कल्पना ही वहां पर नहीं है। फिर वो उसको दो चार शब्दों का समूह मिलाकर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, परंतु वो भाव तो प्रकट नहीं होगा। तीर्थ क्षेत्र के लिए क्या, कौन से उर्दू भाषा में क्या शब्द होगा तीर्थ क्षेत्र के लिए, मैं तो नहीं जानता। होली प्लेस में तीर्थ क्षेत्र का भाव नहीं आता है, उसको परिभाषित किया जा सकता है कि जहां पर प्रसन्नता लगती है उसको हम तीर्थ क्षेत्र कहेंगे। नहीं, तीर्थ क्षेत्र कहने से ही आवश्यकता ही नहीं पड़ती कहने की, उसको स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, शब्द अपने आप में सामर्थ्यशाली होते हैं।
तो यज्ञ है, तपस्या है, मठ है, आश्रम है, इसके लिए क्या शब्द होंगे? अन्य अन्य भाषा में कल्पना ही नहीं है। और जब संकल्पना नहीं है तो उसको झूठे शब्दों का सहारा लेते हुए उसको स्पष्ट करने की कोशिश कोई करता है तो कभी भी उसमें सार्थकता नहीं दिखाई देती। हमारे यहां पर पादरी शब्द नहीं है, हमारे यहां पर फादर शब्द नहीं, फादर है वो अलग ढंग से है। पर फादर कहने के बाद जो एक प्रतिमा खड़ी होती है, क्या हिंदू समाज के सामने वो प्रतिमा खड़ी हो पाएगी? पादरी कहने के बाद हो पाएगी? क्या हज के लिए कोई अपने यहां पर शब्द है? क्या नमाज के लिए कोई अपने हिंदी भाषाओं में, भारत की भाषाओं में कई शब्द है? क्या अजान के लिए कोई शब्द है? आप कोई बुरा नहीं मानेंगे, क्या जिहाद के लिए कोई भारत की भाषाओं में शब्द है? क्योंकि वो कल्पना ही भारत के समाज जीवन में नहीं है। और इसलिए जब शब्दों की परिभाषा करने का और वैकल्पिक शब्द देने का प्रयास होता है तो उसके अंदर कभी भी वो स्पष्टता नहीं होगी, वो भाव प्रकट नहीं होगा, वो संकल्पना प्रकट नहीं होगी। इसको समझकर चलना चाहिए। दुर्भाग्य से अपने भारतीय कई प्रकार की संकल्पनाओं को विदेशी आक्रमकों ने अपनी भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया, उसके चलते कई प्रकार की समस्याएं आज समाज जीवन में है। और इसलिए इसको भी थोड़ा सा प्रारंभ में हम लोग समझने की कोशिश करें। उन्होंने उनकी कल्पनाओं के अनुसार समकक्ष शब्द ढूंढने की प्रयास किया है, पैरेलल शब्द ढूंढे हैं। नियर टू करेक्ट कहा जा सकता है, करेक्ट नहीं कह सकता। नियर टू करेक्ट हो सकता है, पर नियर टू करेक्ट में निकट वास्तव के अर्थ के निकट पहुंच गए, मतलब अर्थ तक पहुंचे, ऐसा नहीं। अभी निकट और दूरी की परिभाषा क्या करेंगे, तो कह नहीं सकते कुछ भी। और इसलिए यह एक प्रयास हुआ भारत की संकल्पनाओं को विदेशी आक्रमणों के बाद और विशेषतः अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत की इस सारी संकल्पनाओं को उन्होंने और अलग ढंग से करने की कोशिश की। कुछ शब्दों को उन्होंने जानबूझकर सोची समझी रणनीति के अंतर्गत कुछ शब्दों को बदलने का प्रयास किया और उसके चलते वही शिक्षा की नीति में आया और उसके चलते कई प्रकार की अपने ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप जो अंग्रेजों की उस शब्द के पीछे की कल्पना है उसको स्वीकार करता गया और अपनी मूलभूत कल्पना से कई समाज भटक गया। यह दृश्य, यह एक अनुभव आज हम सब लोग कर रहे हैं। इसलिए समकक्ष शब्द से वो भाव स्पष्ट नहीं होगा। मैं इनोसेंटली हुआ है इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। जानबूझकर ऐसे नियर टू करेक्ट शब्द लाकर यहां की भारत की मूल मानसिकता पर आघात करने का प्रयास इन भिन्न भिन्न शब्दों से हुआ है। इसलिए वो मैंने कहा कि फैमिली लॉज बने, फैमिली कोर्ट बने, ये कोई भारत की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वहां पर उनकी व्यवस्था थी। उन्होंने भारत को भी उसी प्रकार से मानकर यहां पर उसी प्रकार के कानून लाने का प्रयास। और ये यहां एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत एक इसके पीछे का भाव, और उन्होंने कभी, अंग्रेजों ने कभी उसको छुपाया नहीं, स्पष्ट रूप से कहते गए कि अगर भारत में हमको रहना है तो भारत की मूल सारी बातों से यहां के समाज को काटे बिना हम नहीं रह सकते। यहां पर इन सारी व्यवस्थाओं को जब तक हम उद्ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक हमारी व्यवस्था ही नहीं होगी। और ये ऐसे सारी व्यवस्थाओं पर आधारित, ऐसी सारी संकल्पनाओं को दूर करते हुए एक जो मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर यहां पर जो प्रयास हुआ, उस प्रयास के कारण यहां का संभ्रांत वर्ग, पढ़ा लिखा बुद्धिमान वर्ग उसके सारे शिकार बने और उन्हीं शब्दों को लेकर आज भी हम गलत धारणाओं को लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही आज के इस विषय के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जैसे धर्म शब्द की बात आती है, उनका विषय राजधर्मों की राष्ट्रधर्म का। अब यह धर्म कल्पना दुनिया के और किसी भी समूह में नहीं रही,
जब धर्म यह संकल्पना ही नहीं है तो उन्होंने उसको ढूंढकर शब्द रिलीजन के साथ जोड़ दिया। अब धर्म कल्पना न होने के कारण उसके निकट का शब्द बनाने की कोशिश की, तो धर्म के लिए शब्द नहीं है, संप्रदाय के लिए अलग शब्द नहीं है, तो संप्रदाय जब रिलीजन की व्याख्या करना उन्होंने शुरू किया तो ध्यान में आया कि यह तो संप्रदाय की व्याख्या है। तो संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है, पर वो उसको समझ नहीं पाए। उन्होंने धर्म को ही रिलीजन माना और उसके चलते यहां पर भी, हमारे यहां पर भी कोई शब्द चल पड़ा, आप कौन से रिलीजन क्यों? तो जब कहता है कोई मैं हिंदू हूं तो हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू तो एक अलग प्रकार की कल्पना है, धर्म है उसकी संकल्पना ही अलग है। ईसाई संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, दोनों रिलीजन है, और भी कई प्रकार के सैकड़ों संप्रदाय, भारत के अंदर भी सैकड़ों की संख्या में संप्रदाय है, कोई शैव है कोई वैष्णव है, तो शैव धर्म नहीं है वैष्णव धर्म नहीं है, तो संप्रदाय है। तो धर्म और संप्रदाय का अंतर न समझने के कारण उस रिलीजियन शब्द को सबके सामने रखा गया, हमारे यहां पर भी इसी कल्पना को स्वीकार कर लिया गया और कितना गहराई में हमारे शैली में आ गया। तो सांप्रदायिक व्यक्ति को हम लोग भी धार्मिक मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, यात्रा करते हैं, हम सहायता से कहते हैं ये बड़े धार्मिक व्यक्ति है, मस्तक पर भस्म लेपन करेंगे, चंदन लगाएंगे, सब प्रकार के कर्म कांड करेंगे, उसी को हम धार्मिक मानते हैं, वो वास्तव में सांप्रदायिक। और इसलिए जब धर्म शब्द को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के परिणाम स्वरूप यहां का संभ्रांत वर्ग, हम जैसे सामान्य लोग भी, हम ये कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति ने वो धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, फिर वो व्यवहार क्या करता है उसके बारे में सोचने का दरवाजा जाने अनजाने में बंद हो जाता है, बड़ा व्यवहारिक अनुभव करते हैं लोग। दुकान खोलते समय उस तराजू का वजन, वजन काटा जो रहता है तराजू में, उसकी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाएंगे, फूलों की माला चढ़ाएंगे, और ऐसा करना यानी धर्म का पालन है ऐसा मानते हैं, ऐसा न करने वाले को अधार्मिक मानते हैं। पर उसी तराजू से वजन कितना मारा जा सकता है उसका भी हिसाब लगाते हैं। तो कहां बोल रहा है धर्म और कहां नहीं चला गया आचार्य? ये अपवाद मार रहे, समझ गया सर? मैं अपवाद के रूप में बता रहा हूं, प्रश्न है ऐसा कि क्या इस प्रकार के, मैं और कई उदाहरण दे सकता हूं, मैंने हम सबके जीवन के अनुभव में आने वाला उदाहरण बताया है, क्या इस देश के अंदर धर्म के नाम पर गौ माता को मां मानने वाले क्या उसके प्रति इतने सजग हैं? कहा जा रहा है कि धार्मिक है। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जहां पर धार्मिक क्षेत्र के नाम से जहां पर हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, एक समाज सामान्य व्यक्ति सोचता है कि दोबारा मैं यहां पर नहीं आऊंगा, क्या हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? वहां की गंदगी, वहां की लूट खसोट, वहां का गलत प्रकार का व्यवहार, ये सारा होते हुए भी हम टिके हैं, इसका ही एक ही कारण है कि नहीं, इसको अस्वीकार करने वाला समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, इसलिए तो हम शेष है ना, ये तो हम खत्म हो जाते कभी। लेकिन धर्म की इस प्रकार की बाह्य रूप को हमने धर्म माना, यही पर हमारी गलती हुई, बाकी लोगों को तो स्वाभाविक। संप्रदाय की भी बहुत बड़ी शक्ति है, संप्रदाय का अर्थ ही होता है कि उसका कोई एक मार्गदर्शक है, उसका एक विचारों का संग्रह किया हुआ, उसके ही मार्गदर्शन के रूप में जाना जाने वाला कोई ग्रंथ है। उस संप्रदाय की पूजा वगैरह करने की एक विशेष पद्धति है, उसके द्वारा दिए हुए जीवन के कुछ कर्म कांड के कई विचार है, कुछ उस बातें रखी गई, वो संप्रदाय। अगर हिंदू अगर संप्रदाय मानेंगे तो इसका कौन है रचयिता?
कौन सा धर्म ग्रंथ हिंदुओं का माना जाता है कि ये है तो ये हिंदुओं का ग्रंथ है? नहीं, कोई गीता को मानता है, कोई उपनिषद मानता है, कोई वेदों की पूजा करता है, कोई भगवान को ही अपना ग्रंथ मानता है, तो कोई एक नहीं है। तो संप्रदाय हुआ तो एक ग्रंथ होगा, एक पद्धति होगी। भारत के अंदर पूजा पद्धति में कितनी भिन्नता है, कई कड़क एक नहीं। और इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद यहां पर तो यह माना गया कि जो मानस पूजा करता है वो सबसे श्रेष्ठ है, जो दिखाई ही नहीं देगा कुछ, मानस पूजा है। तो इसको एक संप्रदाय और धर्म के बीच का एक स्पष्ट न होने के कारण यहां पर धर्म की बात को लेकर कई विकृत बातें चली। एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर धर्मादाय चिकित्सालय होते हैं तो वहां कौन सा पूजा पाठ होता है? कोई पूजा पाठ नहीं, भगवान को फूल चढ़ाओगे बाद में चिकित्सा होगी, नहीं है। पर वहां पर लिखा तो है धर्मादाय चिकित्सालय। हमारे यहां पर गांव गांव में ऐसे सभी तीर्थ क्षेत्रों में आने वाले यात्रियों को सुविधा हो व्यवस्था बनाई जाती है, नाम जाता है धर्मशाला कहते हैं। कौन सा वहां पर यज्ञ होता है, हवन होता है, पूजा पाठ होता है, पर नाम तो है धर्मशाला। जब व्यक्ति अपने लिए कुछ संपत्ति का निर्माण करता है, मकान बनाता है, तो उसे कभी भी वो धर्मशाला नाम नहीं देगा। अपने माता पिता बुजुर्ग अपने कोई सत्ता के स्थान उसका नाम उस भवन को दिया जाता है, पर अपने पैसों से खर्चा करते हुए अपने सारे अधिकारों को छोड़कर समाज के लिए जो भवन बनता है उसको धर्मशाला कहते हैं। धर्मादाय चिकित्सालय वही होता है कि जो कोई लाभ का विचार न करते हुए केवल रोगी आए हुए व्यक्ति को देवता मानकर वहां पर उसकी एक सेवा करेगा, चिकित्सा करेगा, ऐसी जहां पर व्यवस्था है वो धर्मादाय चिकित्सालय है। तो धर्म की व्याख्या तो बदल गई। अब इस बात को कोई विदेशी अन्य विचारधारा के लोग दुर्भाग्य से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि वो संकल्पना ही वहां पर नहीं है। चैरिटी शब्द का प्रयोग चलता है, पर चैरिटी का धर्म और चैरिटी में बहुत अंतर है। फिर उसको समान अर्थ में नियर टू करेक्ट कहा जा सकता है, पर एक नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ऐसी परिभाषा करने का जो प्रयास हुए उसमें कोई समस्या हुई है। उसी प्रकार ये राष्ट्र और इसके संदर्भ में भी कई प्रकार की बातें हैं। जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ कहा जाता है, वास्तव में वो देशों का संगठन है, वो राष्ट्रों का संगठन नहीं है, देशों का है। उसके प्रतिनिधि, उसके सदस्य कौन बनते हैं? तो देश के प्रशासन तय करता है, शासन तय करता है, वो उसके प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। देश प्रतिनिधि बनता है, व्यक्ति तो नहीं बनते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस जब बना तो ऐसे संगठित तो वो देशों का संगठन है। वास्तव में उसका स्वरूप देखने के बाद कहना ये चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड कंट्रीज हो सकता है, क्योंकि देशों का संगठन है। वहां पर चर्चा जिस प्रकार की चलती है, चलनी भी चाहिए, जिसके लिए बना है उसका व्यवस्थाओं से संबंध है, न कि विचारों से। उसका संदर्भ विचारों से, मतलब जीवन शैली वगैरह से संबंध कम है, उसका संदर्भ देशों के आपस के संबंध कैसे रहेंगे, एक दूसरे के पूरक कैसे रहेंगे, इसका चिंतन यूनो में होता है, उसकी आवश्यकता है। इसलिए यूनो की आवश्यकता पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसका अपना एक स्थान है, उसकी आवश्यकता है, परंतु उसको अगर हम राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र संघ कहेंगे तो ये समस्या है, क्योंकि इसको भी इसीलिए कहा गया कि यह राष्ट्र शब्द की भी एक गलत परिभाषा करने के लिए प्रयास हुआ, क्योंकि संकल्पना न होने के कारण केवल और केवल भारतीय चिंतन में ही तीन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, तीनों के स्पष्ट कल्पनाएं हैं। तीन शब्द क्या है? देश, राज्य और राष्ट्र। ये तीनों संकल्पनाओं में भिन्नता है, ये बात सही है कि किसी भी समूह के लिए एक भूमि की आवश्यकता रहती है,
उस भूमि को हम देश कह सकते हैं कि यह देश है, चारों ओर की सीमाओं से बंधा हुआ है, एक जमीन का टुकड़ा है जहां पर लोग रहते हैं, रहने का स्थान जी। मकान यानी व्यक्ति नहीं होता है, मकान मकान होता है, तो भूमि है देश की। उस भूमि पर सब प्रकार से शासन की सुविधाएं व्यवस्थाओं को खड़ा करना, उसको राज्य कहा गया है, वो राज्य है। परंतु क्या एक भूमि का टुकड़ा और एक सब प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर मनुष्य का जीवन चलेगा? नहीं, मनुष्य उसके भी और आगे चलकर कुछ उसकी अपेक्षाएं रहती है, मान सम्मान की भावना है। समाज के समूह के सम्मान के विषय, व्यक्ति के सम्मान के विषय अलग हो सकते हैं, समाज के सम्मान के विषय अलग हो सकते हैं। क्रिकेट में भारत का जो पराभव होता है, दुख किसको होता है? व्यक्ति को नहीं। क्या उसके व्यक्तिगत जीवन में तो कुछ हानि नहीं हुई है उसकी? उसका क्या नुकसान हुआ है? भारत की टीम हार गई, उसका व्यक्तिगत जीवन में नुकसान क्या है? तो दुखी कौन होता है? भारत के किसी वैज्ञानिक को एक नोबेल पुरस्कार घोषित हुआ, प्रसन्नता किसको होती है? तो जो पढ़ता है उसको प्रसन्नता होती है, जो समझता है तो लगे अरे भारत के एक एक विशेष व्यक्ति को और नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, दुनिया में गौरव किसका हुआ? उस व्यक्ति का हुआ। तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? नहीं, हमारे देश का गौरव। वो जो सम्मान का अनुभव करता है उसका नाम है राष्ट्र। एक राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का गौरव, जिसका व्यक्तिगत जीवन से लाभ हानि से कोई संबंध नहीं। अगर एक समान समान ही कुछ तुलना ही करना है तो मैं बता सकता हूं, हम सबका एक शरीर है, शरीर के सब प्रकार के अवयव हैं, इंद्रियों से भरा हुआ है, उसका संयुक्त रूप शरीर है, तो उसको कहा जाए ये देश है। उस शरीर की आवश्यकता है, उसको खाना पीना चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, सब प्रकार के जलवायु में सुरक्षित रहने के लिए मकान चाहिए, ये सब राज्य है। एक शरीर प्राप्त हुआ और एक उसकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई, उतना ही पर्याप्त नहीं होता है, तो जो दिखाई नहीं देता है वो जो अंतर मन है, अंतर शक्ति है, वो जो एक शरीर है उसके अंदर जो दिखाई नहीं देता, दुष्य रूप नहीं है, उसको पंडित दीनदयाल जी ने चिति शब्द दिया है, वो राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र, राज्य और देश, इन तीन कल्पनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने की आवश्यकता रहती है। ये तीनों एक नहीं हो सकते कभी भी। हाँ, तीनों का मिलकर कुछ एक बनेगा, पर तीनों एक समान नहीं, अलग अलग। ये ठीक है कि आत्मा है, आत्मा की अनुभूति शरीर के बिना नहीं होती है। हम कहते हैं कि कई प्रकार की आत्माएं भटक रही है, हम थोड़ी अनुभव कर रहे हैं, आत्माएं तो है। कहते हैं आत्मा अमर है, पर दिखाई कब देती है? वो दिखाई तभी देती है कि जब वो शरीर का रूप धारण कर। इसलिए आत्मा के प्रगटीकरण के लिए शरीर की आवश्यकता है, राष्ट्र के प्रगटीकरण के लिए एक भूमि की आवश्यकता है। और अगर एक राष्ट्र और एक भूमि है तो उसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता रहती है। इसलिए इन शब्दों का अलग अलग स्तर पर ही अलग अलग पद्धति से विचार करने की आवश्यकता रहेगी। देश ये एक प्राकृतिक है, हमने भूमि निर्माण नहीं की, भूमि आपको उपलब्ध हुई, हमने भारत की भूमि निर्माण हम लोगों ने नहीं की, प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, हमने निर्माण नहीं किया। राज्य है, अगर भारत के ही बारे में सोचे तो राज्य यह कल्पना विकसित होते गई है, आवश्यकताएं बदलती गई, विकसित होता गया, ये कभी भी समाप्त होने वाली बात नहीं है। आज हम जिस प्रकार के राज्य के अंतर्गत हम व्यवस्थाओं की अपेक्षा करते हैं, कोई जरूरी नहीं है 20 साल के बाद यही रहेगा, और भी आवश्यकताएं बदलेगी। आज जो है वो शायद पर्दे के पीछे चली जाएगी,
नई आवश्यकताएं निर्माण होगी। 15 वर्ष पूर्व किसी को मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी, आ जाए। किसी को दूरदर्शन की आवश्यकता नहीं थी, आ जाए। एक समय था जिस समय हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के नेता खुले आम जनता के बीच घूमते थे। आज कोई घूमने की कोशिश करेगा तो खतरा है, तो उसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। कोई कहेगा कि हमने एक ढांचा बना दिया, वो चलता रहेगा, नहीं चलता, संभव ही नहीं है। तो राज्य यह निरंतर आवश्यकताओं के अनुसार बदलता ही जाता है, परिवर्तन उसमें आता ही रहता है। और इसलिए यह इन तीन कल्पनाओं, और इसका अगर हम एक और स्पष्ट हम सब जानते हैं, मेरी मर्यादा जानता हूं कि आपको कोई ज्ञान देने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। हम सब लोग जिसका अनुभव करते हैं, जिसको जानते हैं, उसको एक सामूहिक चिंतन के रूप में, अगर मेरी जगह आप में से कोई खड़ा होगा तो इससे अलग कुछ नहीं बोल सकता, यही बोलेंगे। तो यह राष्ट्र यह एक अदृश्य शक्ति है, पर शक्ति है, केवल शरीर है, केवल देश की भूमि का टुकड़ा है। और अगर उसमें राष्ट्र नाम की चीज नहीं है तो रेगिस्तान भी बन सकता है, जंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया के अटलांटिका जैसे स्थान है कि जहां पर थोड़ी कोई कहता है, कोई नेता भी नहीं है वहां पर, तो कहां राष्ट्र करे वहां पर। यहां प्रगटीकरण सभी देशों में होता है। और उस राष्ट्र का जो स्वभाव रहता है, उस स्वभाव के अनुसार उस देश की पहचान बनती है। इसलिए आत्मा जितना जैसा होगा उसके अनुसार ही उसके शरीर के द्वारा प्रकट होगा। हम सभी लोग संत नहीं बन सकते, संत बनने वाली आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करेगी तब तक व्यक्ति संत नहीं बनेगा। भगवे कपड़े पहनने से संत नहीं बनता है कोई। संत बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए उस प्रक्रिया से उस श्रेष्ठ आत्मा का उस शरीर में प्रवेश होना पड़ता है। उसकी पहचान हो, इसलिए यहां पर सन्यासियों के नियम बताए, सन्यासियों के सब प्रकार के आचार धर्म आचार बताए, सब है। नाटक तो हो सकता है, मैं किसी प्रकार का भी मैं शिवाजी बन सकता हूं नाटक में, मैं शिवाजी तो रहूंगा नहीं कभी, मैं शिवाजी दिखाई दे सकता हूं। पर शिवाजी बनना है तो मुझे अंदर से कुछ करना पड़ेगा ना, वो अंदर की शक्ति। और यह एक राष्ट्र, राज्य और देश, इस संदर्भ में, इस देश में दुर्भाग्य से सब बातों के अंदर एक कंफ्यूजन निर्माण किया गया, एक संभ्रम की अवस्था निर्माण हुई, और इसके चलते कई प्रकार की गलत धारणाओं का जन्म हुआ है। अंग्रेजों ने कहा कि हम एक राष्ट्र बनाने के लिए यहां पर आए हैं, आप तो अलग अलग बिखरे हुए लोग थे पहले, कहां नहीं थे आप। इसलिए हम आपको एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं, और इसलिए इसमें जिनको जिनका सहयोग रहा और कैसे कल्पनाएं विकसित हुई, पता नहीं कहां से शब्द प्रयोग और जन्म लिया होगा, तो यहां के राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष तो बन सकते हैं, देश के अध्यक्ष बन सकते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे। पर हमारे यहां पर शब्द प्रयोग चल पड़ा, उसके बारे में कुछ कहेंगे तो अनावश्यक विवाद माना जाएगा, इसलिए मैं उस शब्द के लिए कह रहा हूं कि कैसे शब्दों का निर्माण हुआ है। नेशन इन द मेकिंग, राष्ट्र मेकिंग होता है कभी, तो हजारों वर्षों से ही देश के अंदर क्या था, नेशन इन द मेकिंग अंग्रेजों ने बताया, क्योंकि हम लोग आपको बना रहे हैं। नेशन इन द मेकिंग हम लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, क्या ना हमारा राष्ट्र बन रहा है, नहीं, भगवान की कृपा से हमको राष्ट्र मिला है। राष्ट्र कैसे बनता है, अपने यहां पर बड़े अच्छे और शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कहा जाता है, वो श्लोक है, भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्गिदः तपो दीक्षाम उपरोधु अग्रे ततो राष्ट्रम बदम ओजस्व जातम तदस्मै देवा उपसम नमस्तु नमन्तु। ये कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। क्या अर्थ, यहां के मनुष्यों ने जो आत्मज्ञानी थे
ज्ञान बाहर से प्राप्त नहीं होता, अंदर से ही प्राप्त होकर आए थे। ऐसे आत्मज्ञानी मनुष्यों ने, ऋषियों ने विश्व का, जगत का कल्याण हो इसलिए, इस इच्छा से सृष्टि के प्रारंभ में उसके लिए तप किया है, साधना की है, और उससे एक आत्मा, इस प्रकार की चैतन्य युक्त आत्मा का निर्माण हुआ है, उसको राष्ट्र कहा है। यह ऋषि मुनियों के चिंतन से निकला हुआ, तप से निकला हुआ, साधना के द्वारा निर्माण हुआ, यह उसको राष्ट्र कहते हैं। और आगे कहा गया है कि उसी के द्वारा राष्ट्रीय बल और तेज प्रकट हुआ है, और इसलिए निरंतर इस देश के अंदर, इस देश में रहने वाला, अपने आप को राष्ट्र का अंग मानने वाला को कहते हैं। इसलिए सब इस राष्ट्र के सन्मुख नतमस्तक होकर उसकी सेवा करेंगे। ये राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र क्या किसी के द्वारा कोई परिभाषा में बिठाकर, पहले परिभाषाएं तय होती है और परिभाषाओं के अनुसार उसकी रचना की जाती है। क्या राष्ट्र इस प्रकार की परिभाषा तय हुई और उसके आधार पर हुआ? नहीं, भारत का अनुभव बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। भारत में राष्ट्र कल्पना यह साधना के द्वारा, तप के द्वारा एक जीवन शैली का विकास होता गया, वो उस राष्ट्र के नाम से जाना जाने लगा। अंतर है, इसलिए राष्ट्र और राज्य एक किस्म, और इसलिए इस संभ्रम के चलते यहां पर राष्ट्रपिता हो सकते हैं, यहां पर राष्ट्रपति हो सकते हैं, यहां पर कैसे शब्द चले नहीं चले। महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं इस देश का राष्ट्रपिता हूं, हम लोगों ने कहा। राष्ट्रपति शब्द अंग्रेजी में नहीं, उसको प्रेसिडेंट ही कहा जाता है, और वो सही शब्द है। राष्ट्र का अध्यक्ष देश का अध्यक्ष हो सकता है, और वो भी देश का अध्यक्ष है, संविधान के द्वारा दिए गए उसको अधिकार है। ऐसे ऋषि मुनियों को जिन्होंने राष्ट्र की कल्पना को विकसित किया, उनको किसी ने पुरस्कार नहीं दिया कि इन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, ऐसा नहीं कहा गया है। किसने निर्माण किया हम जानते भी नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का एक सोचा समझा कि आप थे नहीं, हम लोगों ने आपको खड़ा किया है, इस एक भूमिका को लेकर जो अंग्रेजों ने यहां पर स्थापित करने का प्रयास किया, उसके चलते ये सब प्रकार की परिस्थितियां बनती गई। हम थे ही नहीं कुछ, हम एक नहीं थे। ये बात जरूर है कि भारत के अंदर कई प्रकार के राजा थे, राज्य थे, राज्य अलग अलग थे, परंतु राष्ट्र तो एक ही रहा है। राज्य अलग अलग हो सकते हैं, वो तो एक प्रशासन की सुविधा है। महाराष्ट्र राष्ट्र नहीं है, शब्द में नाम में आता है राष्ट्र, परंतु महाराष्ट्र राष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र तो राज्य है, गुजरात राज्य है, तेलंगाना राज्य है, राज्य। इसलिए राष्ट्र एक हो सकता है, राज्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, और कहीं कहीं पर राज्य के प्रशासन की सुविधा के चलते एक राज्य जिसको माना गया, उसके अंदर कई प्रकार के राष्ट्रों का अस्तित्व रहा है, रहा है कि दुनिया में और कई जगह पर दिखता है। रशिया में सब प्रयास किया गया कि छोटे छोटे राष्ट्र थे, एक विचारधारा को लेकर, एक जीवन शैली को लेकर, एक प्रकार के एक व्यवहार को लेकर चलने वाले छोटे छोटे समूह थे, उनके अपनी स्वयं की व्यवस्था खड़ा करना उनके दायरे के बाहर था, तो बना रशिया, बना एक रशिया सीरियत संघ जो बना, उसमें कई प्रकार के राष्ट्रों का राज्य एक ही था। आज मुस्लिम राष्ट्र एक है, उनके राज्य कई प्रकार, हिंदू राष्ट्र एक है, उसमें राज्य कई प्रकार के बनेंगे बनाए। इसलिए वो इसको कल्पना को अगर हम ठीक से ही को प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहती है, और इसलिए यह एक हम लोग आपको बनाकर दे रहे हैं, हम लोग आपके विकास के लिए आए हैं, हम लोग आपके उत्थान के लिए आए हैं, इस प्रकार की कल्पना को इतना गहराई से हम सब लोगों के मन में बिठाने की कोशिश की कि पुराने पीढ़ी के लोग कभी कभी कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन बड़ा अच्छा था, राष्ट्र भाव के दुर्बल होते ही
केवल सुविधाओं में आनंद मानने वाला समाज खड़ा होता है, अन्यथा क्या कारण है अंग्रेजों के शासन को अच्छा मानने के लिए? कोई कारण? हाँ, अंग्रेजों ने सुविधाएं दी है, उसके लिए अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमको एक नई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था की, निश्चित रूप से। पर लोगों को यह अधिकार नहीं मिलता है कि हमारी सारी प्राचीन परंपराओं को नष्ट करे, इसका अधिकार नहीं दिया उन्होंने। और ये इस प्रकार का एक प्रयास अंग्रेजों के द्वारा, और उसके कारण कई प्रकार के भटकाव समाज जीवन में आते हुए दिखाई देते हैं, गलत धारणाएं बनती गई। और इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की बातों के चलते हमने राज्य के द्वारा निर्माण किया गया संविधान, उस संविधान के आधार पर बनाई हुई बातों को ही हमने राष्ट्रीय माना। जनगण मन हमारा आज राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान करना ही है। उसके प्रति किसी भी भारत में रहने वाले किसी के व्यक्ति के मन में कोई अलग प्रकार का भाव रहने का कारण नहीं, परंतु वह एक संविधान के द्वारा बताया गया इस देश का गीत है। और सही अर्थों में अगर देखा जाए तो वंदे मातरम यहां का राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम। जनगण मन कब लिखा गया? तो लिखा गया कभी 1905। पर जनगण मन में जो भाव व्यक्त है वो भाव राज्य को सामने रखकर किए हुए हैं। और वंदे मातरम में वो भाव प्रकट होता है कि जो राष्ट्र का स्वभाव है, राष्ट्र की जो एक शैली है उसको प्रकट करने वाला वंदे मातरम है। दो गीतों में अंतर है, सम्मान दोनों का है। कभी 1930-31 में तिरंगा ध्वज तैयार हुआ, ठीक है, अच्छी बात। क्या उसके पहले भारत की पहचान देने वाला ध्वज कोई नहीं था? ऐसा कहेंगे, ऐसा स्वीकार करेंगे क्या हम लोग? हाँ, हमने उसको एक संविधान के रूप में, उसको एक ध्वज का, एक चिन्ह का, एक उसका सम्मान का हमने प्रतीक के रूप में लाया। निश्चित रूप से जो भी संविधान के प्रति अपना दायित्व मानता है उसने सबने जनगण मन का भी सम्मान करना चाहिए, तिरंगे ध्वज का भी सम्मान ही करना चाहिए। पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अलग प्रकार की बातों से विचार करेंगे। इस प्रकार के वंदे मातरम को, भगवे ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना, यह आज के तिरंगे ध्वज का अपमान नहीं है। क्या अपमान नहीं? तिरंगा ध्वज हमारे लिए देश के गौरव का प्रतीक है, तो स्वाभाविक। परंतु यह सब जब संभ्रम निर्माण होते हैं तो संभ्रम इन प्रकार की बातों के द्वारा प्रकट होते आए हैं। और इसलिए थोड़ा अगर हम विचार करेंगे तो राज्य यह समाज के द्वारा निर्माण किए गए हैं, यह अपने आप नहीं बने हैं। राज्यों का विकास हुआ है, राज्यों की स्थापना हुई है, राज्यों की रचना ही बनी है, राष्ट्र की रचना ही नहीं बनी। राष्ट्र विकसित होता आया, किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ। तो यहां की जीवन शैली, परंपराएं, जीवन के मूल्य, जीवन की सब प्रकार की मान्यताएं उसके अंदर होती है। राज्य यह अगर व्यवस्थाओं तक सीमित है तो उसको तो समय के अनुसार काल सुसंगत उसकी विचार करने की आवश्यकता रहती है। राष्ट्र कल्पना कभी भी काल सुसंगत नहीं, वो स्थायी है, चिरंतन है, उसके साथ कोई समझौता नहीं करने के बाद। और इसलिए यहां पर भौगोलिक सीमाएं, राज्य की व्यवस्थाएं हैं, अस्तित्व के प्रगटीकरण के लिए भूमि है। और इसलिए यह आवश्यक बातें कुछ समाज के लिए, किसी अस्तित्व को प्रकट करने के लिए आवश्यक रहती है। और इसलिए यह एक समझने की आवश्यकता रहेगी। एक और बात, जब कोई एक समूह विकसित होता है तो वो जहां पर रहता है उस भूमि के प्रति उसके अंतकरण में एक आत्मीयता, एक श्रद्धा का भाव प्रकट निर्माण होना एक स्वाभाविक है। ये मेरी भूमि है। हम एक सामान्य मकान बनाते तो मरने तक नहीं भूलते कि मेरा मकान है।
तो जिस भूमि पर जिस प्रकार के भौगोलिक चतुर्सीमा के अंदर यहाँ के चिंतन विकसित हुए, यहाँ का जीवन शैली विकसित हुई, सब प्रकार के श्रेष्ठ बातों का जन्म जिस भूमि पर हुआ, उस भूमि के प्रति एक अलग प्रकार का भाव इस भूमि के साथ जुड़ा हुआ समूह रखता है। और इसलिए अथर्ववेद में अगर हम फिर जाएंगे तो अथर्ववेद में कई प्रकार की बातें कही गई। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी कहा गया है। ये भूमि हमारी मां है और मैं इसका पुत्र हूं। ये भाव यहां पर अथर्ववेद कब मन में अथर्ववेद कब लिखा गया है? तुम्हारी मातृभूमि बनी। आगे हमने कहा गया भूमे मातः नि देही मां भद्रया सुप्रतिष्ठितम्। इसका वर्णन करते हुए यहां पर कहा गया कि भाई यह इसके द्वारा हमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है। क्यों? तो मां है। और ये मां की कल्पना कहां से निकली? तो कहा गया कि यह धर्म, मतलब फिर एक बार अगर हम धर्म की परिभाषा में जाए तो वह एक कर्तव्य के आधार पर, एक जीवन मूल्यों के आधार पर जो विकसित होता है उसको अगर हम धर्म मानेंगे तो ऐसे धर्म की कल्पना से मातृभूमि शब्द का जन्म हुआ है कि भूमि के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि इस भूमि से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। पुरखों की भूमि कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि यह हमारी मातृभूमि है तो इससे एक सहजता से इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाला और राजस्थान की सीमाओं से लेकर मणिपुर तक रहने वाला हर व्यक्ति जब इसको मां कहता है तो एक एकात्मता की अनुभूति करता है। हम सब एक हैं, यह अनुभूति करते हैं। इसलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है। इसलिए भारत माता के जय कहने वालों को इसको सांप्रदायिक नहीं मानना चाहिए। इस भूमि के प्रति हमारा जो एक भाव है वो भाव उस नारे से प्रकट होता है। तो यह समझने की आवश्यकता है। पर वो वही समाज कह सकता है कि जो जिसका इस भूमि के प्रति उस प्रकार का लगाव है, जिन्होंने इस भूमि को केवल और भोग भूमि माना, वो भारत माता की जय कहने से इनकार कर सकते हैं। इसके गीत कैसे बनते हैं? हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। कितनी एक गलत धारणा को प्रकट करता है। गुलिस्ते तब तक रहते हैं जो वो हरा भरा पेड़ रहता है। जब पेड़ गुजर जाता है तो पंखी छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या इस भारत के लोग इस भारत के भूमि के संदर्भ में क्या यही भाव रखते हैं कि जब ये भूमि उजड़ जाएगी तो हम चले जाएंगे? नहीं, इस भूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने का पुरुषार्थ करने वाला समाज यहां पर खड़ा होगा। वो जिसको वो जो इसको मां मानता है उसका संबंध उसके सुजलाम सुफलाम बनाने से भी है। जो वंदे मातरम गीत भजन कहते हैं सुजलाम सुफलाम शब्द प्रयोग करते हैं, तो क्या सुजलाम सुफलाम नहीं रही तो क्या छोड़ के चली जाएगी? इस देश के अंदर जब एक समय था कि जब अकाल पानी के बूंद के लिए यहां का समाज तरसता था, हजारों वर्ष पूर्व की बात है, तब एक भगीरथ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि इस हिमालय के चोटी पर गिरने वाला जल जो उत्तर की तरफ बहता हुआ जा रहा है उसको दक्षिण की तरफ मैं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी मां है, मातृभूमि है, इसको सुजलाम सुफलाम करना है। भगीरथ ने अपने परिवार के लिए तो गंगा यहां नहीं लाई है। सैकड़ों पीढ़ियां उसके अंदर मर गई, समाप्त हो गई। हर वहां पर उस गंगा को उस दिशा को दक्षिण की ओर मोड़ने का जो प्रयास हुआ उस प्रयास में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो तो चले गए। भाव क्या रहा होगा? भाव यही रहा होगा कि यह हमारी मां है, इस मां को सुजलाम सुफलाम बनाए रखना यह मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा मानने वाला समाज ही भारत माता की जय के नारे लगाता है।
कोई इसको संप्रदाय कहे कुछ कहे तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, मान समझने की आवश्यकता है। इस भूमि के प्रति हम सबके अंतकरण में एक भाव है, क्यों? क्योंकि हम इस राष्ट्र के घटक, हम इसके मेंबर नहीं है। भारत के नागरिक हो सकते हैं, वो तो कानून से मिलने वाला अधिकार है। नागरिक बनना अलग है, इस भूमि का राष्ट्रीय बनना ये अलग है। आप अमेरिका में जाओगे, कुछ दिन रहने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आप अमेरिका के नागरिक बन जाओगे, पर आप क्या भारत को भूल सकता है? राष्ट्र के रूप में वो भारत का रहेगा, नागरिक के रूप में अमेरिका का नागरिक बनेगा, वहां के सारे नियमों का पालन करेगा, जरूर करेगा। ऐसे भारत में कोई भी नागरिक बन सकता है, कानून बना हुआ है नागरिकता का, बने उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर जिसको इस देश का राष्ट्रीय बनना है उसको इस भूमि को मां मानना पड़ेगा, यहां की परंपराओं के प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ेगा, यहां के महापुरुषों के प्रति गर्व का अनुभव करने वाला बनेगा, यहां के जय पराजय के प्रति उसके अंदर वेदना जगनी चाहिए। अपने शत्रु कौन है, अपने मित्र कौन है, इसको पहचानने वाला वही राष्ट्रीय होता है, वही राष्ट्रीय। इसलिए हम बुलबुले हैं, इसकी ये गुलिस्ता हमारा, ये गीत राष्ट्र के रूप में हमको स्वीकारने, गीत अच्छा है। कोई भी चार शब्द जोड़कर उनको संगीत दिया जाए, यहां पर सिंगर फड़के जी बैठे हुए हैं तो किसी भी गीत को अच्छा स्वर दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्र गीत किसे बने? इसलिए यह इस प्रकार की भाव भावनाओं को जीने वाला समाज वो राष्ट्रीय समाज होता है। बाकी नागरिक होते हैं को समझने की आवश्यकता है, नागरिक बनने का अधिकार किसी को भी है, और उस नागरिकता के जो भी नियम है उस नियम का पालन तो वो उसको करना ही है, क्योंकि वो कानून से बंधा हुआ है। और इसलिए इस प्रकार का एक भाव, एक विचार करने की आवश्यकता रहती है। मैं समझता हूं कि यह भी एक संभ्रम की अवस्था बनी कि इस देश का सिटीजन कौन है, इस देश का नेशनल कौन है। मैं नेशनल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि वो आज राष्ट्र के समकक्ष माना जाता है, तो यहां का नेशनल और सिटीजन एक नहीं हो सकते। इसको समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, इस दृष्टि से सारे विषयों की ओर भी देखने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। मैं और कुछ समय आपका लेना चाहूंगा, मुझे कल्पना है कि, और मैं कई वर्षों से सामाजिक जीवन में रहा हूं तो लोग उठना शुरू करें इसके पूर्व समाप्त करना चाहिए। पर विषय के साथ थोड़ा न्याय भी करना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए थोड़ा विषय और थोड़ा समय लेकर मैं इस विषय को पूरा करूंगा। तो इस पहचान को लेकर समाज जीवन खड़ा होता है, राष्ट्र जीवन बनता है। इस पहचान को बनाए रखना वही राष्ट्र धर्म है, इस पहचान के प्रति समर्पित होना। उसमें व्यक्ति जीवन से, व्यक्ति जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक वह राष्ट्र जीवन से एक रूप होना मुश्किल है। तो यहां का जो राष्ट्रीय होगा, यहां पर घटने वाली घटनाओं से दुखी होगा, अंतकरण में वेदना होगी, परंतु उसके प्रति अपनत्व का भाव बना रहेगा। जहां अपनत्व का भाव समाप्त होगा वो देश का राष्ट्रीय कैसे हो सकता है? हाँ, वेदना होनी चाहिए, यहां की अव्यवस्थाओं के प्रति मन के अंदर आक्रोश होना चाहिए, यहां की सब प्रकार की बातों के प्रति कुछ अगर असुविधाएं हैं उस सुविधाओं के प्रति आंदोलन करने की तैयारी चाहिए, वो तो आवश्यक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसका हमारा संबंध समाप्त हो गया, ये कैसे कहा जा सकता है? कई घटनाएं पिछले दिनों में हुई, उन घटनाओं का मैं उल्लेख करना नहीं चाहूंगा। आप सब लोग जानते हो कि किस प्रकार से इस भूमि को जिन्होंने गुलिस्ता माना उन्होंने छोड़ने की बात भी कही है, और इसलिए यह एक विचार करने की आवश्यकता है। बाह्य पहचान यह अंतकरण के द्वारा होती है, अंदर अच्छा है तो बाहर अच्छा दिखे, कभी छुप नहीं सकती। थोड़े समय के लिए व्यक्ति अच्छा बन सकता है, परंतु शाश्वत जीवन उसका अगर आदर्श है
जब तक वो अंदर से भी इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सत्य बोलने वालों की स्मरण शक्ति दुर्बल है तो चलेगा, असत्य बोलने वालों की स्मरण शक्ति अच्छी रहनी चाहिए। ये तो कब क्या कहा ये भूल जाते हैं। अगर हम इस प्रकार के प्रामाणिकता से इस मार्ग पर चले हुए हैं, इसको इस प्रकार के भावों को लेकर चले हैं, वह किसी भी परिस्थिति में उसी श्रेष्ठ भाव को प्रकट करेंगे। वो जो भाव प्रकट होगा उसी का नाम है राष्ट्र धर्म। और इसलिए इस प्रकार के राष्ट्र धर्म का स्मरण रखने वाले, पालन करने वाला समाज ही देश की गरिमा को, देश के सम्मान को विश्व के मंच पर स्थापित कर सकता है। अगर स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा होगा कि मैं देख रहा हूं कि भारत माता और विश्व के सर्वोच्च स्वर्णिम सिंहासन पर बैठकर दुनिया को मार्गदर्शन कर रही है, तो वह राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन दुनिया को देने वाला समाज वो राष्ट्र धर्म है। उस राष्ट्र धर्म की अगर कहीं दुर्बलता होती है, एक क्षरण होता है, देश कम हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, एक आत्महीनता का भाव निर्माण होता है। और कभी कभी कहा जा सकता है कि ऐसा समाज संवेदनहीन बन जाता है। मराठी मध्ये म्हणतात की गेंड्याची कातडी होता। दुर्दैवाने या देशामध्ये गेंड्याची कातडी झालेला समाजाचा फार मोठा वर्ग आहे, त्याची संवेदना संपलेली आहे। ती संवेदना जागृत करणं म्हणजे राष्ट्र धर्म जागवण आहे। परंतु यहां पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं, तो दो समय का भोजन भी चाहिए, सब प्रकार की सुरक्षा की गारंटी चाहिए, आवागमन के साधन पर्याप्त चाहिए। ये काम किसका है? तो ये काम है जो इसको राजा के रूप में संभालेगा वो इस, और जहां राजा ने जब तक अपने को, अपने आप को प्रजा का सेवक मानता है, तब तक राज्य धर्म का पालन होता है। जब वो प्रजा को अपने गुलाम मानता है, तो उस राज्य धर्म की क्षरण रहता है, समाप्त हो जाती है। अपने यहां पर कई राजा हैं, कई राजा महाराजा ऐसे हुए जिन्होंने राज्य धर्म छोड़ दिया, राजधर्म का पालन नहीं, शोषक बने, अत्याचार करने वाले बने, अन्याय करने वाले बने। काल सुसंगत बातों को स्वीकार न करने वाले बने, जड़ता से भरे हुए रहे कि नहीं हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। राष्ट्र जीवन शाश्वत है, चिरंतन है। राज धर्म का पालन करने वालों को काल सुसंगत देश की वर्तमान काल को समझकर उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला जो बनेगा, वही राज्य धर्म का पालन करने वाला माना जाएगा। उसके कुछ कर्तव्य है। हमारे यहां पर कई प्रकार के राजा महाराजाओं को हमने देखा है। व्यक्ति राजा बनते हैं और परंपरा से राज परिवार चलता रहता है, फिर वो उसके योग्य है कि नहीं उसकी चिंता नहीं। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये चला कुछ वर्षों तक देश के अंदर। इसलिए राज व्यवस्था के प्रति अश्रद्धा निर्माण हुई, एक आक्रोश निर्माण हुआ। उसका एकमात्र कारण है कि यह परंपरागत से चला आया हुआ राज्य व्यवस्था, ये इसका बहुत बड़ा कारण बनेगा। उचित व्यक्ति को राज्य का कारोबार सौंपना ये कहीं पर खंडित हुई, और शक्ति के बल पर, सामर्थ्य के बल पर मैं राज्य को प्राप्त करूंगा, ऐसी जब बात चली तो इस देश का दुर्भाग्य, ऐसे राजा इस समाज को प्राप्त हो गया। कुछ लोग स्वयं घोषित मैं ही राजा हूं, आप बोलो तो मुझे राजा बनाने वाले मैं। तो ऐसे भी हम अनुभव अपने इस देश में अलग अलग समय पर देखे हैं, पुराणों में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो ऐसे के राजा थे कि अपने शक्ति के बल पर दूसरों को समाप्त किया। संस्कारहीन राजा
क्या देश की सब प्रकार की चिंता करने वाला राजा बन सकता है? इसलिए राजा है तो उसको संस्कार है। इसलिए जिन्होंने अपने बल पर सत्ता अपने हाथ में ली, वो देश का उत्थान नहीं कर पाए, स्वयं का उत्थान शायद कर पाए होंगे, मालूम नहीं कर पाए कि नहीं, परंतु देश का नुकसान तो जरूर करके गए हैं। और इसलिए कुछ समय से एक ये भी परंपरा देश भर से समाप्त हुई, दुनिया भर से समाप्त हो जा रही है, अब राजा रहे नहीं कहीं पर। लोग मजाक में कहते हैं कि दुनिया में केवल 5 राजा है, 4 ताश में है, 1 इंग्लैंड में है। राजा ग्रस्त नहीं है। तो एक पद्धति को अपना गया, विचारों के आधार पर कोई राज्य संभालने वाला बनेगा, ये परंपरा है। फिर कभी लग रहा कि नहीं, जो पूंजीवादी है, जिसके पास आर्थिक संपदा है, वो सारे नियंत्रण अपने हाथ में लेगा, वो राजा बनेगा। पूंजीवादी राज्य व्यवस्था बनी। कहीं पर कार्ल मार्क्स के बाद एक साम्यवादी एक राज्य की रचना यहां पर आई, दुनिया के सामने आई, कि जब इसका आधार ही संघर्ष है। हाँ ठीक है, जब जहां पर ऐसी बातें हुई है वहां एक बात जरूर सोचने के लायक है कि जहां पर बहुत अत्याचार अन्याय हुआ वहां पर समाज का असंतोष संग्रहित करने का काम जिस व्यक्ति ने किया, वो व्यक्ति उसके पतन के बाद उसने अपने हाथ में लिया, और जिस प्रकार के असंतोष को संग्रहित किया था उस असंतोष को नियंत्रित करने के लिए उसको भी डिक्टेटर बनना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण रचना है इस प्रकार। डिक्टेटर जो डिक्टेटर माने जाते हैं, हुकुमशाह माने जाते हैं, उनका इतिहास देखिए, उन्होंने समाज की वेदनाओं को स्वर दिया है, समाज के अस्तित्व की रक्षा को उन्होंने एक संगठित किया है, लेकिन संगठित करने के पीछे जो एक असंतोष का भाव मन के अंदर निर्माण हुआ था उसको नियंत्रित अगर करना है, मुझे अगर ठीक कारोबार चलाना है तो मुझे इस सारे असंतोष को दबाना पड़ेगा, उसी को तो डिक्टेटर कहते हैं। ऐसे डिक्टेटर भी इस दुनिया ने देखे हैं। क्या हुआ रशिया 1917 में लेनिन के द्वारा क्रांति हुई, पर लेनिन को वही करना पड़ा जो पहले के राजा करते थे, तो राज्य अलग बना, ये व्यक्ति का नहीं रहा परंतु तो विचारों का साम्राज्य रहा, तो नहीं चला, तो स्टालिन सामने आए, तो लेनिन समाप्त हो गया। स्टेलिन के रहते और भी खड़ा हुआ, तो स्टेलिन समाप्त हो गया। क्यों? तो यह भी एक भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग दुनिया के मंच पर हुए, और इसके चलते कहीं पर लोकतंत्र का जन्म हुआ। उस लोकतंत्र के रचना में समाज के द्वारा व्यक्ति समूहों को राज्य करने का अधिकार प्राप्त होगा, एक अच्छी रचना। अच्छी रचना कहते समय दोष तो कहीं पर भी हो सकते हैं, पर कम से कम निर्दोष, दोष तो होता ही है। लोकतंत्र की व्यवस्था में क्या दोष है इसका अनुभव हम लोग आज कर रहे हैं कि अगर मतों पर ही उम्मीदवार चुने जाएंगे तो थोड़ा हिसाब अगर हम देखते हैं तो 50-60% मतदान होता है, 40% तो वैसे भी चयन करने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर रखते हैं। उस 50% में अगर 3-4 उम्मीदवार रहे तो उसमें से जिसको ज्यादा मिलेगा वो आएगा, तो कुल मिलाकर जीत कर आया हुआ उम्मीदवार वो कहीं पर 20-25% का प्रतिनिधित्व करता है, पर राजा तो वही बनता है ना। एक लोकतंत्र का एक कमी है इसमें भी। पर ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी आज के वर्तमान इसमें जो परंपराएं चली आई उसमें कम से कम दोष अगर किसी व्यवस्था में है तो इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में है। समाज चयन करता है, राजा को बिठाता है, व्यक्ति नहीं होता है, समूह बनता है। हाँ, उस समूह का नेतृत्व तो करने वाला कोई व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तो बनना ही है। देश के 4-4 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री एक ही रहेगा। देश के राष्ट्रपति 2-2, 3-3 नहीं हो सकते, एक ही रहेगा, लेकिन वह एक सर्वमत से बनता है, सबकी सहमति से बनता है।
नहीं, बहुमत से बनता है, सर्वसम्मति से कहना भी बड़ा मुश्किल है, पर बहुमत से बनता है। चलो ठीक है, हमने कहा कि कम से कम निर्दोष इस प्रकार की व्यवस्था आज है, पर जब हम इस राजा के, इस राज्य व्यवस्था के बारे में, उसके संदर्भ में हम राजधर्म की बात करते हैं, तो अपने यहां पर प्राचीन काल से जो कहा गया कि राजा व्यक्ति हो, किसी विचारधारा को मानने वाला हो, प्रतिनिधित्व करने वाला हो, आज के लोकतंत्र में सामूहिक हो, या जिसको हुकुमशाह तानाशाह माना जाता है इसे तानाशाह हो, एक सेमेटिक रिलीजन को मानकर चलने वाले वो राजा बनते हो, पर तो इसके सगे सबके संदर्भ में राजधर्म को एक समान रूप से वर्णन किया जा सकता है। उसका कर्तव्य क्या है, तो प्रजापालन उसका कर्तव्य है। जन सामान्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका काम है। जन सामान्य को सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करना उसका काम है। इस देश का सारा तंत्र, आर्थिक तंत्र कैसे चलेगा, उस आर्थिक चिंतन को विचार करते हुए स्थापित करेगा, उस तंत्र पर सारे आर्थिक नियोजन करेगा, राजा का काम है। और व्यवस्था करते समय मूल विचारों के साथ सुसंगत रहते हुए कार्य सुसंगत व्यवस्थाएं खड़ी करेगा, देश की सीमाएं सुरक्षित करता जाएगा, देश के हितेशी कौन है और देश के शत्रु कौन है समझने वाला बनेगा। कौन स्थायी रूप से है, कौन तत्कालीन है, कौन स्वार्थी है, इसको इसका परीक्षण करने वाला बनेगा कि कौन अपने देश के लिए उचित है। इसलिए देश का एक सामान्य जन अपने आप को सुरक्षित अनुभव करे, आनंदित अनुभव करे, किसी प्रकार की असुविधा में न रहे, यह जो राज्य करेगा, वो जो करने वाली व्यवस्था है, उसको ही कहा गया यह राजा का धर्म है, उसको ये करना है। इसलिए जब कहा जाता है कि धर्म राज्य, तो धर्म राज्य की कल्पना में सांप्रदायिक राज्य को और धर्म राज्य एक, जैसा प्रारंभ में मैंने कहा कि संप्रदाय और धर्म को एक जिन्होंने कर दिया, उन्होंने ही धर्म राज्य को सांप्रदायिक राज्य की परिभाषा दी। हमारी कल्पना भी नहीं बैठी। तो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, अपने ही सामान्य जनों की भलाई का सोचेगा, उसके हित में काम करेगा, उसको आश्वस्त करता जाएगा कि तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सब आपके रक्षा के लिए है, वो जो करेगा वो धर्मराज है, वो धर्मराज। न्यायोचित, किसी के साथ अन्याय नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई शोषण नहीं होगा किसी का। जब हम कहते हैं रामराज्य, तो राम राज्य की कल्पना में अगर महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने भी कहा होगा कि राम राज्य की कल्पना है, तो राम राज्य मतलब कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं करना है। तो एक भौतिक संपन्नता को लाने वाला, देश का गौरव बढ़ाने वाला, इस प्रकार के विश्व के मंच पर एक शक्ति के साथ खड़ा होने वाला देश, वो जो खड़ा करता है वो धर्म राज्य है। किसी के साथ अन्याय नहीं, कोई शोषण नहीं, किसी प्रकार के भी कोई भी प्राकृतिक हो, व्यक्तियों के द्वारा निर्मित हो, भेदभाव का व्यवहार नहीं होगा, वो धर्मराज्य। सारे जनता को, उस राज्य के सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति अपने ही सारी राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ महसूस करेगा, वो धर्मराज्य है। हाँ, मैं इसका हिस्सा हूं। दुर्भाग्य से 1948 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना चली, वेलफेयर गवर्नमेंट कहा गया। उस समय पंडित जी का भाषण है, मैंने सुना नहीं, परंतु मैं केवल जानता हूं, मैं कहीं पढ़ा हुआ है कि
लाल किले पर से भाषण करते हुए कहा कि आज देश अपना स्वतंत्र हुआ है, अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब काम सरकार करेगी। क्या गलत दिशा दी। इसलिए हमारी भी मानसिकता बनती है सब कुछ काम करना है सरकार करेगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी ली है। मेरा क्या दायित्व बनता है, मैं कुछ नहीं करूं, देश के लिए कुछ नहीं करूंगा, समाज के लिए कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है, सरकार का काम है। इसलिए छोटी छोटी बातों से लेकर जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे सभी विषयों के बारे में यहां का जन सामान्य दुर्भाग्य से सोचने लगा ये काम सरकार का है। और इसके चलते आज के इस युग में अनियंत्रित सत्ता के निर्णय के केंद्र सत्ताधीश बने, और इसीलिए सत्ता हथियाने का प्रयास होता है, वो इसी कारण होता है कि एक बहुत प्रकट शक्ति केंद्रित हो गई हाथों के अंदर। इसलिए प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए देश शासन सत्ता हमारे हाथ में चाहिए। नहीं, मुझे राजधर्म का धर्म राज्य की स्थापना करना है, इसके लिए मैं राजा बन रहा हूं। ऐसा राजा ही धार्मिक होता है, वो मंदिर में जाए न जाए, कोई पूजा पाठ करे न करे, उससे कोई संबंध नहीं। सब कुछ हमारा तो सौभाग्य है कि वर्तमान राजा हमको उस कर्म कांड को भी मानने वाला बना है। और इसलिए राज्य हमेशा, जब सेक्युलरिज्म की बात चली तो धर्म राज्य कभी भी सहिष्णु नहीं रहेगा, असहिष्णु बन ही नहीं सकता है। तो निधर्मी राज्य की बात कही गई कि राज्य धर्म का नहीं निधर्मी होना चाहिए, तो पशुओं का जीवन हो गया कि वहां पर कर्तव्य का स्मरण नहीं, कुछ भी नहीं। हां, जिस समय जमाने में, जिस युग में देश विश्व के अंदर धार्मिक लोगों ने, जिसको धार्मिक सांप्रांतिक सांप्रदायिक लोगों ने सब प्रकार की सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की और दूसरे पंथ संप्रदाय के साथ अन्याय प्रारंभ हुआ, उस समय सेक्युलरिज्म की कल्पना जन्म ली है विश्व के अंदर। भारत में सेक्युलरिज्म की क्या आवश्यकता, यहां कोई सांप्रदायिक राज्य नहीं है। और इसलिए अगर भगवान कृष्ण ने गीता में कहते हुए कहा हुआ यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत, तो उसने मंदिरों के नाश हो गतम में आऊंगा ऐसा नहीं कहा। धर्म को ग्लाने यानी यहां की सब प्रकार की कर्तव्य के दायित्व की मूल्यों का जब क्षरण होगा तब मैं आऊंगा ये कहा है। फिर मैं यहां पर धर्म की संस्थापना करूंगा। भगवान कृष्ण को कौन सा संदेश दे रहा है। इसलिए इस देश का विचार करते समय यहां का धर्म राज्य, राग राज्य, ये धर्म राज्य बनेगा, इसका मतलब ही है यहां की प्रजा सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, गर्व के साथ उन्नत मस्तक होकर विश्व के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार की ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला राज्य यानी धर्म राज्य है, और यानी अपने राज्य धर्म का पालन करने वाला। और फिर यह एक विश्व के सम्मुख इस सारी कल्पनाओं को लेकर हम एक मॉडल खड़े करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह भारत की जिम्मेदारी है, राजधर्म को पालन करने वाली सत्ता और राजधर्म का पालन करने वाला जन सामान्य, एक विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना हम चाहते हैं कि दुनिया इस मार्ग पर चले, विश्व इस मार्ग पर चले। इसलिए यहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः का जब मंत्र कहा गया तो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से कई मील आगे चले गए। ये तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात है। राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा उस राष्ट्र के रहने वाले सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, और दुनिया के सामने प्रशासन की व्यवस्था खड़ी होगी आदर्श वो धर्म राज्य के द्वारा। इस प्रकार के यदि कल्पनाएं विश्व के अंत तक निरंतर हमेशा ही प्रासंगिक रहने वाली है। इसलिए वर्तमान में राष्ट्र धर्म और राजधर्म ने जो शाश्वत है, ऐसे राष्ट्र धर्म को जीवित रखना है, और जो विश्व के सामने आदर्श है
ऐसे राज्य धर्म धर्म राज्य को हमको विश्व के सामने प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भारत की है। और ये अंतिम शब्द में मैं कहूंगा कि जब राष्ट्र धर्म का पालन होता है तो वहां पर पृथ्वी सुरक्षित रहती है, पर्यावरण की रक्षा होती है, सामाजिक न्याय स्थापित होता है, न्याय के लिए झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं रहती, वहां पर मानवाधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। अगर राष्ट्र धर्म नहीं रहा तो मानव के अधिकार असुरक्षित होंगे, पर्यावरण का नाश होगा, प्रदूषण से पृथ्वी ग्रस्त होगी और सब प्रकार से अपने बल के आधार पर अन्याय करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र धर्म इस प्रकार का समाज बनाएंगे। और स्वाभाविक रूप से राज्य यह सब प्रकार से सुख संपन्नता से युक्त, भौतिक साधनों से युक्त बनेगा। अपने यहां पर अभ्युदय और निश्रेयस दो शब्दों का प्रयोग होता है। इस देश का अभ्युदय धर्म राज्य में है, इस देश की आध्यात्मिक शक्ति यह राष्ट्र धर्म के पालन में है। ये दोनों को मिलकर एक श्रेष्ठ समाज का चित्र हम निर्माण करना चाहते हैं, इस प्रकार का यह निर्वहन करे। और इसलिए अगर मैं कहूंगा कि राष्ट्र धर्म का लक्ष्य राष्ट्र का परम वैभव है और धर्म राज्य का पालन एक आदर्श व्यवस्था विश्व के सामने प्रस्तुत करना है, ये भारत का दायित्व है। उसमें जब तक हम जैसे सामान्य जनों की सहभागिता नहीं होगी तब तक ये दोनों धर्म का पालन धर्म का रक्षण होना कठिन है। इसलिए यहाँ की प्रजा यहाँ के जनसामान्य राष्ट्रीय बने और यहाँ का प्रशासन एक सुराज्य देने वाला बने, राजधर्म का पालन करने वाला बने, यही हम सबकी अपेक्षा है। इन अपेक्षाओं की पूर्ति करने में हम सबका भी एक व्यक्तिगत योगदान है, उस योगदान का स्मरण करते हुए हम भविष्य में चले। इसी प्रकार का निवेदन करते हुए थोड़ा लंबा हुआ, उसके लिए क्षमा मांगते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरी बात पे।